हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अध्ययन क्लासेस। आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हनीकॉम का चैप्टर द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो विदाउट डूइंग लेट स्टार्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द नेबर्स किल द डॉग? जो क्रूअल नेबर्स थे, पड़ोसी थे, वो लोग कुत्ते को क्यों मार दिए? आंसर, द ग्रीडी नेबर्स ऑन हियरिंग द गुड लक ब्रॉट टू द काइंड कपल बाय द डॉग गॉट जीलस ऑफ देम। ग्रीडी नेबर्स, जो लालची पड़ोसी थे, जब उन्होंने सुना कि उनके पड़ोसी कुत्ते की वजह से उनको खजाना मिला, समृद्धि आ गई, धनवान हो गए, वे लोग जीलस करने लगे, उनसे नफरत करने लगे। एंड कॉक्स द डॉग इन टू देयर गार्डन, और उस कुत्ते को बहला फुसला कर अपने बगीचे में ले गए, होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, ये उम्मीद करते हुए कि वो डॉग उनके लिए भी एक खजाना ढूंढेगा। द डॉग पॉड एंड स्क्रैच्ड द ग्राउंड अंडर अ पाइन ट्री, तो कुत्ता जब गार्डन में गया तो एक पाइन ट्री के नीचे, पाइन ट्री यानी शाहबलूत का पेड़, जो बहुत ही लंबा पेड़ होता है, उस पेड़ के नीचे वो ग्राउंड पे स्क्रैच करने लग गया। इमीडिएटली दे स्टार्टेड डिगिंग द ग्राउंड, और वो जो लालची पड़ोसी थे तुरंत उस ग्राउंड पे खुदाई करने लगे। देयर दे फाउंड नथिंग बट अ डेड किटन, उस जमीन की खुदाई करने के बाद उनको खजाना तो नहीं मिला लेकिन मरा हुआ एक बिल्ली का बच्चा दिखा। सो दे बिकेम फ्यूरियस एट द डॉग, जिसकी वजह से वो कुत्ते पे गुस्सा हो गए। दे किल्ड द डॉग एंड फ्लंग हिम इनटू द होल, उन्होंने कुत्ते को मार दिया और एक गड्ढे में फेंक दिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मार्क द राइट आइटम। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उनके ऑप्शंस भी दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर पे मार्क करना है या टिक लगाना है या तो बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट, द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव्ड द डॉग, जो ओल्ड फार्मर थे, बूढ़े से किसान थे, उनकी पत्नी थी, वो लोग कुत्ते को प्यार करते थे। इसके 3 ऑप्शन है, बिकॉज इट हेल्प देम इन देयर डे टू डे वर्क, बी एज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी, सी एज दे वर काइंड टू ऑल लिविंग बींग्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी। जो ओल्ड फार्मर और उनकी पत्नी थी, वो दोनों कुत्ते को इस तरीके से प्यार करते थे जैसे मानो वो उनका खुद का बच्चा हो। सेकेंड सेंटेंस, वेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच दे, जब बूढ़े कपल धनवान हो गए, तब उन्होंने, इसके 3 ऑप्शन है, गेव द डॉग बेटर फूड, ऑप्शन बी इन्वाइटेड द ग्रीडी नेबर्स टू अ फीस्ट, ऑप्शन सी लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर जेनरस टूवर्ड्स दियर पुअर नेबर्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, लिव्ड कंफर्टेबली एंड वेयर जेनरस टूवर्ड्स दियर पुअर नेबर्स, वो लोग जब धनवान हो गए, रिच हो गए, तब वो आराम से, सुख सुविधा से रहने लगे और अपने पड़ोसियों को भी मदद करने लगे। तीसरा सेंटेंस है, द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मोटर टू मेक, जो लालची कपल थे, उन्होंने पड़ोसी के यहाँ से मिल यानी चक्की और मोटर लेके आए कुछ बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए ले आए? उसके लिए 3 ऑप्शन है, राइस पेस्ट्री एंड बीन सॉस, बी मैजिक एश टू विन रिवॉर्ड्स, ऑप्शन सी अ पाइल ऑफ गोल्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अ पाइल ऑफ गोल्ड। उन्होंने चक्की और मोटर ले आया पड़ोसी के यहाँ से ताकि वो उसमें से गोल्ड बना सके। फ्रेंड्स, ये था हमारा कॉम्प्रिहेंशन चेक जो हमने देख लिया। आइए अब देखते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका आंसर बताना है। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1, द ओल्ड फार्मर इज अ काइंड पर्सन, जो बूढ़ा किसान था वो बहुत ही दयावान इंसान था। व्हाट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट 2 पैराग्राफ, आप पहले 2 पैराग्राफ में उसके दयावान होने के क्या प्रूफ मिलते हैं, क्या एविडेंस मिलते हैं, वो आप बताइए। आइए इसका आंसर देखते हैं। द ओल्ड फार्मर इज अ काइंड पर्सन, जो बूढ़े किसान हैं वो बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं। हैविंग नो चिल्ड्रेन ही एंड हिज वाइफ लव्ड दियर पेट डॉग एज दियर ओन बेबी, उनके पास कोई भी बच्चा नहीं है जिसकी वजह से वो और उनकी पत्नी दोनों अपने पेट डॉग को अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। द कपल यूज्ड टू फीड हिम विथ टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम दियर ओन चॉपस्टिक्स, वो कपल यानी दोनों पति पत्नी अपने डॉग को खुद अपने चॉपस्टिक से मछलियों के टुकड़े या तो खाना खिलाते थे। दे ट्रीटेड हिम नाइसली,
वे उस कुत्ते को बहुत ही अच्छे से रखते थे, उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। द फार्मर वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरी थिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्न्ड अप अ सॉड ऑन पर्पज टू गिव फूड टू द बर्ड्स। वो किसान बड़ा ही संतोषी और सभी प्राणियों के लिए दयालु था, यहाँ तक कि चिड़ियों के लिए खाना मिल जाए, उनको भोजन मिल जाए, इसके लिए खेतों में भी जो बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े होते थे, जो बोल्डर होते थे, उसको भी पलटते थे ताकि उसके नीचे जो कीड़े हैं उनको चिड़िया खा सके। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड। कुत्ते ने किसान को उस दबे हुए छिपे हुए गोल्ड को दिखाने के लिए क्या किया। आंसर, द डॉग टुक द ओल्ड मैन टू अ प्लेस एंड बिगेन टू स्क्रैचिंग इट। कुत्ता उस बूढ़े किसान को, उस बूढ़े से व्यक्ति को एक जगह ले गया, एक स्थान पे, और वहाँ पे जमीन पे वो अपने दोनों पैरों से स्क्रैच करने लगा, खरोचने लगा। द ओल्ड मैन थॉट देयर माइट बी अ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश। बूढ़े आदमी ने सोचा कि शायद उस जमीन के अंदर कोई हड्डी का टुकड़ा होगा या तो मछली होगी जिसके लिए वो स्क्रैच कर रहा है। द फार्मर स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ एंड फाउंड द हिडन गोल्ड। तब किसान ने जैसे ही उस जमीन में खुदाई किया, अपने फावड़े से जमीन को खोदा, तो उसके अंदर उसने एक सोने का खजाना देखा, वहाँ पे गोल्ड देखा, बहुत सारा गोल्ड उस जमीन में हिडन था, छिपा हुआ था। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट। उस कुत्ते की आत्मा ने पहली बार किसान की मदद कैसे की। आंसर, द स्पिरिट ऑफ द डॉग केम इन द ड्रीम ऑफ द फार्मर। उस किसान के सपने में वो कुत्ते की आत्मा आई एंड टोल्ड हिम टू कट डाउन द पाइन ट्री ओवर हिज ग्रेव। और उसने कहा कि उसकी कब्र के पास में जो पाइन ट्री है, शाहबलूत का पेड़ है, उसको काटे एंड मेक अ मोर्टर फॉर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर बीन सॉस फ्रॉम इट। और उस लकड़ी से राइस पेस्ट्री बनाने के लिए मोर्टर और बीन सॉस बनाने के लिए एक मिल बनाए। क्वेश्चन नंबर टू, हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट। कुत्ते ने फिर अगली बार उसकी मदद कैसे की। इसका आंसर है, वंस अगेन द स्पिरिट ऑफ द डॉग केम इन द ड्रीम ऑफ द फार्मर। एक बार फिर से उस कुत्ते की आत्मा किसान के सपने में आई एंड टोल्ड हिम हाउ द विक्ड नेबर्स हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। और उसने बताया कि किस तरीके से दुष्ट पड़ोसियों ने पाइन ट्री से बने हुए चक्की को जला दिया है। ही सजेस्टेड हिम टू टेक द एशेज ऑफ द मिल। उसने सलाह दिया कि वो चक्की की राख लेके आए, जो चक्की जल गई है उसकी राख लेके आए, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज। और उस राख को जो विदर्ड ट्रीज हैं, जिनमें पत्ते नहीं रह गए हैं, जो लाइफलेस जैसा हो गया है, उस पर स्प्रिंकल कर दे, उस राख को छिड़क दे, एंड दैट दे वुड ब्लूम अगेन। और वो ट्रीज फिर से ब्लूम करेंगे, फिर से उसमें हरियाली आ जाएगी, फ्लावर्स आ जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, Why did the daimyo reward the farmer but punished his neighbor for the same act? एक ही काम के लिए, एक ही एक्ट के लिए daimyo ने किसान को पुरस्कार दिया, लेकिन जो greedy neighbors थे उनको punishment दिया, क्यों? इसका आंसर है, The farmer had the magical ashes which on sprinkling on the withered cherry tree bloomed it. किसान के पास एक magical ashes जो राख थी, जैसे ही उसने withered cherry tree पे छिड़क दिया, वो चेरी ट्री फिर से ब्लूम हो गया, उसमें फ्लावर्स आ गए, हरियाली आ गई। ऑन सीइंग द एक्ट, इस कार्य को देख के द डाइमियो बिकेम वेरी हैप्पी एंड रिवॉर्डेड द फार्मर। डाइमियो खूब खुश हो गए और उन्होंने उस किसान को पुरस्कार दिया। इन ऑर्डर टू गेट रिवॉर्ड, पुरस्कार पाने की लालच में द ग्रीडी नेबर स्प्रिंकल्ड द एशेज ऑन द विदर्ड चेरी ट्री। लाजी पड़ोसियों ने भी विदर्ड चेरी ट्री पे राखों का छिड़काव किया, बट द एशेज वेंट इन टू द आईज एंड नोज ऑफ द डाइमियो एंड हिज वाइफ। लेकिन वो राख उड़ के डाइमियो और उनकी पत्नी की आँख और नाक में चला गया एंड रिजल्टेड इन स्नीजिंग, और जिसकी वजह से वो लोग छींकने लगे, उन लोगों को छींक आने लगी और पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गया। देयरफॉर, इसलिए द डाइमियो गॉट एंग्री एंड पनिश्ड द नेबर फॉर हिज एक्ट। डाइमियो क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए और उस लालची पड़ोसी को उसके कार्य के लिए दंड दिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन आंसर, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। सी यू अगैन विथ अ न्यू टॉपिक, टिल देन कीप स्टडी एंड स्टे हैप्पी।
बाय बाय।